Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। अगले एक हफ्ते में अनेक कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा होने वाले हैं। इस अमृत कार्य से जुड़े सभी विभागों को, आपकी हर छोटी मोटी इकाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी का यह अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि आजादी के हमारे नायक नायिकाओं ने आजाद भारत के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामर्थ्य भरना और नए संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का यह पल है। आज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बनाया गया है। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम्स अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेनर्स का, व्यापारियों कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजना का उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा, वो कैसे उसका फायदा उठा सकता है। इसी तरह हमारे युवाओं आसानी से ये तर्क कर पाएंगे कि उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्टअप इंडिया लोन चाहिए। जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को, मध्यम वर्ग को एंड टू एंड डिलीवरी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और जब लोन लेने में आसानी होगी, कम से कम प्रक्रियाएं होगी, तो ये भी स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे। ये पोर्टल स्वरोजगार को बढ़ाने में, सरकार की योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है।